हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साउथ फिल्म स्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 की रिलीज डेट का धांसू ऐलान होने के बाद से ही इस फिल्म का फैंस इंतजार कर रहे हैं, और वो भी बेसब्री के साथ। इस फिल्म को मेकर्स 16 जुलाई साल 2021 को रिलीज करने वाले हैं, मगर इसके साथ ही कन्नड़ सुपरस्टार ने बॉलीवुड फिल्मों को कड़ी चुनौती दे डाली है। दरअसल केजीएफ 2 की रिलीज से एक हफ्ते पहले ही आयुष्मान खुराना की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि भाई ये फिल्म 9 जुलाई को थिएटर्स पर दस्तक देगी। वहीं दूसरी तरफ यश केजीएफ को 16 जुलाई को लेकर आ रहे हैं। यूं तो आयुष्मान की फिल्म भी थिएटर्स पर अब काफ़ी पसंद की जाती है, और उनकी फिल्मों में दर्शकों को देखे शानदार कंटेंट देखने को मिलता है, और यही वजह है कि भाई उनकी फिल्में 100 करोड़ का बिजनेस भी आसानी से कर लेती है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि भाई आयुष्मान केजीएफ के आसपास अपनी फिल्म रिलीज कर बड़ी गलती करने जा रहे हैं। दरअसल आयुष्मान की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी को बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता मिलेगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद यानी कि केजीएफ 2 रिलीज होगी, और उसके सामने आयुष्मान की फिल्म का टिक ना देखे मुश्किल ही लग रहा है। आपको बता दें कि भाई चंडीगढ़ करे आशिकी को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म में आयुष्मान के साथ साथ वाणी कपूर भी नजर आएंगी। आपको बता दें कि भाई केजीएफ 2 की तो इस फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त भी नजर आएंगे, और जो कि फिल्म में अधीरा के रोल में वो दिखाई देंगे। तो फिल्म में यश और संजय के बीच जबरदस्त वॉर देखने को भी मिलेगी। इन दोनों के अलावा फिल्म में रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भी नजर आएंगी। हाल ही में इस फिल्म को लेकर ऐसी खबरें आई थी कि भाई यश के एक फैन ने 16 जुलाई को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखकर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करने की अपील की थी। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भाई इस फिल्म का दर्शकों में कितना क्रेज है। अब ऐसे में आयुष्मान की फिल्म को केजीएफ के चलते देखिए बड़ा घाटा भी हो सकता है। वैसे आपकी इसको लेकर क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।